नमस्कार साथियों, हमारे लोकप्रिय चैनल सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम एक शैक्षिक कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी है, हमारी दिनचर्या बिगड़ चुकी है, बच्चों का स्कूल बंद हो चुके हैं। जो नियमित दिनचर्या हमारी वर्षों से चली आ रही थी, उस पर एक विराम सा लग गया है। साथियों, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार ने इन बच्चों का शैक्षिक कार्यक्रमों में रुकावट उत्पन्न न हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी विद्यालय बंद चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इन बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस योजना के तहत सरकार ने एक ऐसी कल्पना की है कि बच्चा अपने घर को ही अपना विद्यालय समझे और अपने साथ अपने पूरे परिवार को जोड़कर शिक्षा ग्रहण करें। उसके लिए शासन ने शिक्षकों को भी जिम्मेदारी दी है, उनसे कहा गया है कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से डिजीलैब द्वारा प्राप्त वीडियोस को उन बच्चों तक भेजें जिनके पास स्मार्टफोन है, और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों की सूची बनाएं और प्रतिदिन उनमें से 5 बच्चों से संपर्क करें और उन्हें पढ़े पढ़ाएं, कुछ समझाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से भी कुछ पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है जिनकी समय सारणी दी गई है, तो बच्चे टीवी के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही एक शेड्यूल बनाया गया है कि जिसके अंतर्गत 10 बजे से 1 बजे तक बच्चों को शैक्षिक गतिविधियां करना है अपने घर पर, उसमें पालकों का सहयोग भी अपेक्षित किया गया है। सुबह 10 बजे पालक अपने घर पर घंटी या थाली बजाएंगे जिससे बच्चों को स्कूल का आभास होगा, और 10 से 11 के बीच में शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से उनको लेसन भेजेंगे जिनका वो अध्ययन करेंगे। प्रातः 11 से 12 बजे तक रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को सुनना और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस पर चर्चा करना। फिर 12 बजे से 1 बजे तक दक्षता उन्नयन कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों को वर्ग ऊपर एक प्रश्न हिंदी का, एक प्रश्न अंग्रेजी का और कुछ गणित के मौखिक प्रश्न हल करना होंगे। इस तरह 1 बजे उसका स्कूल का समय खत्म हो जाएगा, फिर उसके पालक घंटी या थाली बजाएंगे और उस क्लास का समापन करेंगे। पुनः 4 से 5 तक शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियां संचालित करेगा पालकों के सहयोग से, और शाम को 7 से 8 तक अपने परिवार के साथ बैठकर अपने घर के बुजुर्गों से कहानी किस्से सुनेगा और इन सब बातों को अपने शिक्षकों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएगा। साथियों, आप भी जानते हैं इस बात को कि व्यवहारिक रूप से इस कार्यक्रम को आपको क्रियान्वयन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संक्रमण का दौर चल रहा है, आपको बहुत सारी सावधानियां बरतना है, आपके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। मात्र 30% लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे, उसमें ही बच्चों के पास तो 10% भी हो सकते हैं। यदि उनके पास स्मार्टफोन है परंतु इतना डाटा नहीं होगा कि आपके वीडियोस पर डाउनलोड हो सके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। उनके घरों में इतना स्थान भी नहीं होगा कि आप जाके बैठ पाएं, क्योंकि खुद ही 1 कमरे 2 कमरे में रहने वाले हैं। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति सबसे छिपी हुई नहीं है, सब जानते हैं कि एक निम्न वर्गीय परिवार के अधिकांश बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उन बच्चों के घरों में न बैठने की सुविधा होती है। इसलिए आप चाहें तो अपने उनके ओटले पर 4-5 बच्चों को लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको विशेष सावधानी का रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने स्वयं के खर्च से सैनिटाइजर ले जाना होगा। आपके पास पीपी किट नहीं है, चाहे तो आप पीपी किट का उपयोग कर सकते हैं।
आपको चेहरे पर मास्क लगाना है और उन बच्चों के चेहरों पर भी आपको मास्क लगाकर ही पढ़ना पढ़ाना है, क्योंकि सरकार ने आपको कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया है। इस चीज को ध्यान रखना, आपको अपनी जिम्मेवारी पर इन बच्चों को पढ़ाना है, अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हमें जान के साथ जहान को भी संभालना है। और मैं इस बात को निश्चित एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शिक्षक साथी इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है, एक मोमबत्ती की तरह होता है। इसलिए साथियों, आपको इस चुनौती को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका भी घर है, आपके ही परिवार है, आपको भी अपने बच्चों के साथ रहना है। इसलिए जब भी घर से निकले, सैनिटाइज करके निकले, हो सके तो एक बड़ी बॉटल अपने साथ रखें, जहां पढ़ाने बैठें उस स्थान को भी सैनिटाइज करें और फिर उन बच्चों को बिठाएं और उनके साथ आप शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखें। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।